हेलो एवरीवन, दिस इज़ रोहित, वेलकम्स यू इन द रियल कॉन्सेप्ट। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल साइंस या पॉलिटी बोलिए, पॉलिटी ही है क्लास सिक्स से। तो चलिए आगे हम इसको पढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटीज़, विभिन्नता को समझना, विभिन्नता को हम क्या, डाइवर्सिटीज़ क्या होते हैं इसको हम समझेंगे इस चैप्टर में। तो डाइवर्सिटीज़ का मतलब होता है विभिन्नता, अनेकता। जैसे कि हम खान पान में अपने औरों से अलग होते हैं, खान पान में हम औरों से अलग होते हैं, पहनावा में और औरों से अलग होते हैं, हम अपने मित्र में ही, फ्रेंड्स सर्कल में ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमने हमारे जो है वो फ्रेंड्स से अलग होते हैं। जैसे कि हमें खाने के लिए कुछ और पसंद होता है, लेकिन हमारे फ्रेंड्स को खाने में कुछ और पसंद हो सकता है, उनके क्लथिंग स्टाइल अलग हो सकता है, उनके लिविंग स्टाइल अलग हो सकता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ये सब डाइवर्सिटीज़ है। और ये प्लेस टू प्लेस सबका अलग होता है। प्लेस टू, आप भारत के बहुत सारे राज्यों में, स्टेट्स में देख लीजिए, वहाँ के भी जो डाइवर्सिटीज़ हैं वो बहुत ही अलग होते हैं हम लोगों से। जैसे कि तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, इन लोग के गुजरात, इन लोग का जो डाइवर्सिटीज़ है बहुत अलग होता है, क्योंकि प्लेस टू प्लेस होता है और ये बहुत बड़े बड़े क्षेत्र हैं, एरियाज हैं। तो हमारा टॉपिक जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, डाइवर्सिटीज़ इन इंडिया। डाइवर्सिटी इन इंडिया, इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज़। भारत जो है वो बहुत सारी विविधताओं का एक देश है। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेज, हम बहुत सारी भाषाएँ बोलते हैं। जितने भी राज्य हैं सब में लगभग अलग अलग भाषाएँ चलती हैं। काफ़ी भारत में काफ़ी भाषाएँ हैं, बहुत सारे डाइवर्सिटीज़ हैं। हैव वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, बहुत सारे भोजन के प्रकार हैं, फूड के बहुत सारे टाइप्स हैं। सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स, और हम सभी भारतीय अलग अलग तरह के फेस्टिवल्स त्यौहार मनाते हैं। प्रैक्टाइज डिफरेंट रिलीजन्स, और हमारा धर्म भी अलग होता है, हम अलग अलग धर्म को भी मानते हैं, हम धर्म के आधार पर ही बहुत सबसे डिफरेंट हैं, डाइवर्स हैं। But actually, if you think about it, we many things that are similar except that we do them in different ways. But actually, लेकिन सच में, if you think about it, लेकिन आप इसके बारे में अगर सच में सोचते हैं, we do many things that are similar. हम लोग बहुत सारे चीज़ें ऐसे भी करते हैं जो हम सब में सिमिलर है, समान है, कॉमन है, except that we do them in different ways. लेकिन कुछ हम एक ही चीज़ को अलग अलग तरीक़ों में करते हैं। कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं वो करते हैं हम एक ही चीज़, मगर चूंकि प्लेस अलग है तो उनके कुछ रूल्स, कुछ कायदे, कुछ नियम, वो सब बदल जाते हैं। अब जैसे कि छठ मान लीजिए, छठ बिहार में भी हो, खास करके बिहार में तो होता ही है, लेकिन औरों राज्य में भी दूसरे दूसरे नाम से भी जाना जाता है, लेकिन होता तो छठ ही है। जिसे हम छठ कहते हैं तो दूसरे राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटीज़, अब यहाँ पे हम समझते हैं कि वाट डज एक्चुअली मीन टू डाइवर्सिटीज़। अ लिटिल मोर देन 200 ईयर्स एगो, लगभग दो सालों से ज़्यादा, और लॉन्ग बिफोर द ट्रेन एरोप्लेन, या फिर एरोप्लेन या फिर ट्रेनों के ज़माने से बहुत पहले, बस और कार बिकेम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। बस या कार जो है वो हमारे जीवन का हिस्सा बना। पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर इन शिप्स, ऑन हॉर्सेस और कैमल्स और ऑन फुट। लोग क्या करते थे, या तो बैल पर अपने चढ़ते थे, या फिर जहाज पर चढ़ते थे, या फिर पैदल ही एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। Often they went in search of new lands or new places to settle in. और यद्यपि ये सब क्या करते थे, नए भूमि को खोजने जाते थे, न्यू लैंड्स को खोजने जाते थे, नए नए लैंड्स को, नए नए जगह को ढूंढते थे ताकि वो वहाँ पर बढ़ सके, रह सके, और फॉर पीपल टू ट्रेड विथ, या फिर लोगों के साथ व्यापार करने के लिए भी ये एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। एंड बिकॉज इट टुक सो लॉन्ग टू ट्रैवल, लेकिन चूंकि इसमें काम समय बहुत ज़्यादा लग जाता था उस समय, वंस दे गॉट टू अ प्लेस, एक बार अगर उन्हें कोई जगह मिल जाता था,
पीपुल स्टेड देयर, लोग वहाँ ठहरते थे। ऑफन फॉर अ लॉन्ग टाइम मेनी अदर्स लेफ्ट देयर होम्स बिकॉज दे वर फेमाइंस एंड ड्राउट एंड दे कुड नॉट गेट इनफ टू इट। वंस दे गॉट अ प्लेस दे स्टेड देयर, वे लोग वहाँ पर ठहर जाते थे। मैनी अदर्स लेफ्ट देयर होम्स बिकॉज दे वर फेमाइंस एंड ड्राउट एंड दे कुड नॉट गेट इनफ टू इट। लेकिन कभी कभी क्या करते थे, उन्हें अपना घर भी छोड़ना पड़ता था क्योंकि दे वर फेमाइंस, वो उन्हें अकाल था, मतलब क्या कि उन्हें खाने के लिए भोजन नहीं था, आगे पूरा सुखाड़ था, खाने के लिए अच्छे से भोजन फूड नहीं मिल पाता था। एंड दे कुड नॉट गेट इनफ टू इट, और उन्हें पेट भरने के लिए अनाज भी नहीं मिलता था। सम वेंट इन सर्च ऑफ फॉर वर्क वाइल अदर्स लेफ्ट बिकॉज देयर वॉज अ वार। कुछ लोग इस कारण अपने घर छोड़ देते थे ताकि उन्हें कोई काम मिले, और कुछ इसलिए छोड़ते थे बिकॉज देयर वॉज अ वार, क्योंकि वहाँ पर लड़ाइयाँ हो रही थी, युद्ध हो रहे थे, इसके कारण भी उन्हें घर छोड़ना पड़ता था। समटाइम्स दे बिगन टू मेक देयर होम्स इन न्यू प्लेसेस, कभी कभी उन्हें अपना घर नई जगह में भी बनाना पड़ता था। पीपुल बिगन टू चेंज अ लिटिल एंड एट अदर टाइम्स दे मैनेज टू डू थिंग्स इन ओल्ड वेज। सो देयर लैंग्वेजेस, फूड, म्यूजिक, रिलीजन बिकेम अ मिक्स ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू। इसीलिए उनका जो भोजन स्टाइल, फूड स्टाइल है, फिर म्यूजिक है, फिर रिलीजन्स हैं, धर्म्स हैं, बिकेम अ मिक्स ऑफ ओल्ड एंड न्यू। ये सब क्या हो गया, ये सब पुराने और नए का एक मिक्स हो गया, मिश्रण हो गया। पुराने जो कंसेप्ट था वो नए कंसेप्ट के साथ मिल जाता था। ऐसा क्यों होता था, क्योंकि जब वो पुराने जगह से नए जगह में प्रवेश करते थे, इंटर करते थे, तो पुराने कुछ तो सभ्यता उनके साथ थी, और जब नए जगह में आने पर उन्हें कुछ नई सभ्यता भी मिलने लगी थी, और वे लोग उन सभ्यता नई सभ्यता में भी थोड़ा घुलने लगे, डिसॉल्व होने लगे। एंड आउट ऑफ दीज इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर्स केम समथिंग न्यू एंड डिफरेंट। और इनके जो मिश्रण से, इनके जो मिक्सिंग से, इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर्स, इनके जो सभ्यताओं का जो मिक्सिंग हुआ, इनसे एक नए और एक अजूबे सभ्यता का निर्माण होता था, हो जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि जब दो सभ्यताएं मिलती है तो कुछ नया, कुछ अलग बन जाता था। द हिस्ट्री ऑफ मेनी प्लेसेस शोज अस हाउ मेनी डिफरेंट कल्चर्स इन्फ्लुएंस हैव हेल्प टू शेप लाइफ एंड कल्चर देयर। बहुत सारी जगहों का इतिहास रहा है कि हम कैसे डिफरेंट कल्चर्स को हैव हेल्प टू शेप, कि हमारे जो कैसे हमारे जो कल्चर्स हैं, सिविलाइजेशन से, ये हमें एक नए कल्चर्स को डेवलप करता है, हमारे लाइफ को सेव करता है। थस रिलीजन्स रीजन्स बिकेम वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्री। इसीलिए जो हमारा रीजन्स है, हमारा जो क्षेत्र है, बिकेम वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्रीज, वो बहुत ही विविध अलग हो जाता है क्योंकि उसकी जो हिस्ट्री है वो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही बेजोड़ है। सिमिलरली डाइवर्सिटीज ऑल्सो कम्स अबाउट वेन पीपुल अडॉप्ट देयर लाइव्स टू द ज्योग्राफिकल एरिया इन विच दे लिव। सिमिलरली इसी तरह डाइवर्सिटीज ऑल्सो कम्स अबाउट, इसलिए डाइवर्सिटीज भी इसी तरह आता है, वेन पीपुल अडॉप्ट देयर लाइव्स टू द ज्योग्राफिकल एरिया इन विच दे लिव। ताकि ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारे डाइवर्सिटीज कब बनता है, ये तब बनता है जब पुराने जगह के लोग एक नए जगह में आते हैं, और वहाँ की सभ्यताओं में मिलने पर एक, चूँकि उनकी कुछ पुराने आदतें भी होती है और जो नए आदतें हैं वो भी उन्हें मिल जाती है, इसके कारण एक नए सभ्यता का, नए डाइवर्सिटीज़ का निर्माण हो जाता है। डाइवर्सिटीज़ मतलब क्या, जो अलग अलग चीज़ें, जितनी विभिन्नताएँ हैं, हम दूसरों से कैसे अलग हैं, किस किस आधार पर अलग है, कौन कौन से बेसिस हैं, ये सब डाइवर्सिटीज़ हो जाते हैं। नॉट ओनली डू पीपल हैव डिफरेंट क्लॉथिंग और ईटिंग हैबिट्स, बल्कि इतना ही नहीं है कि लोगों के जो सिर्फ कपड़े
क्लॉथिंग हैबिट्स और ईटिंग हैबिट्स अलग होते हैं, बट इवन द काइंड्स ऑफ वर्क दे डू इज़ डिफरेंट. लेकिन कभी कभी उनके काम है वो भी अलग हो जाता है. इन सिटीज़ इट इज़ ऑफन ईजी टू फॉरगेट हाउ क्लोजली पीपल पीपुल्स लाइव्स आर टाइड टू देयर फिजिकल सराउंडिंग्स. इन सिटीज इट इज़ ऑफन ईजी टू फॉरगेट हाउ क्लोजली, शहर में वो फिजिकल सराउंडिंग से किस तरह बंधा हुआ है, इन्हें भूलना शहरों में ज़्यादा सुविधाजनक होता है. दिस इज़ बिकॉज इन द सिटी पीपुल सेल्डम ग्रो देयर ओन वेजिटेबल्स एंड ग्रीन्स. दिस इज़ बिकॉज ऐसा इसलिए होता है, इन द सिटी पीपुल सेल्डम ग्रो देयर ओन वेजिटेबल्स एंड ग्रीन्स. शहरों के जो लोग हैं वो अपने खाने के लिए जो भी उन्हें सब्जियों की ज़रूरत होती है, अनाज की ज़रूरत होती है, वो उगाज लेते हैं. इंस्टीड दे डिपेंड ऑन द मार्केट टू बाय ऑल द फूड एंड अदर गुड्स दैट दे नीड. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन व्हेन वी से दैट हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन. वी कैन डू दिस बाय रीडिंग अबाउट लाइफ इन टू डिफरेंट parts of the country, Kerala and Ladakh. तो आइए जानते हैं पहले लद्दाख के बारे में. लद्दाख इज़ अ डिज़र्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. लद्दाख जो है वो एक डिज़र्ट है, एक मरुस्थल है, मतलब क्या बालुओं का एक जगह है. इन द माउंटेन्स इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न भाग में, पूरा बाली भाग में माउंटेन्स में डिज़र्ट जो है वो लद्दाख है. वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज़ पॉसिबल हेयर सिंस दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन एंड इज़ कवर्ड इन स्नो फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर. वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज़ पॉसिबल हेयर, यहाँ जो है वो कृषि के लिए बहुत कम संभावना है. कृषि का, एग्रीकल्चर का मतलब खेती का, बहुत कम संभावना है. इज़ पॉसिबल सिंस दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन फॉर रेन. चूँकि इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, नहीं के बराबर होती है, इसीलिए यहाँ पर खेती तो होगी नहीं. एंड इज़ कवर्ड इन स्नो, और ये हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है. फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर, लगभग सालों भर ये जो लद्दाख जो है वो बर्फ़ों से भरा रहता है. देर वर फ्यू ट्रीज दैट कैन ग्रो इन द रीजन, और कुछ ऐसे ट्रीज हैं, पेड़ हैं जो इस क्षेत्र में उगते हैं. फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपुल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ्स. पानी पीने के लिए यहाँ के जो लोग हैं वो गर्मियों के मौसम में बर्फ को पिघलने के इंतजार करते हैं, ताकि बर्फ पगले पिघलेंगे और वे पिएंगे. ऐसा गर्मियों के मौसम होता है. पीपुल हेयर कीप सीप एंड द सीप इन दिस रीजन आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना वूल. और इस क्षेत्र के जो पीपुल यहाँ के क्या करते हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो भेड़ पालते हैं, सीप पालते हैं. एंड सीप इज दिस रीजन आर स्पेशल, और इस क्षेत्र में यह मतलब लद्दाख के जो डिज़र्ट वाले क्षेत्र हैं, री एरिया है, यहाँ के सीप का काम होता है. क्या, चूँकि यहाँ के लोग सीप इसलिए इम्पोर्टेंस देते हैं, सीप को इसलिए इम्पोर्टेंस देते हैं ताकि सीप जो है वो सीप से वो भेड़ से वो पश्मीना सॉरी पश्मीना नहीं पश्मीना वूल पश्मीना वूल एक ऊन है, ऊन का किस्म है, ये उन्हें मिल सके. सॉल्स दिस वूल इज प्राइज्ड एंड पश्मीना सॉल्स कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी. दिस वूल इज़ ये बहुत ही ये जो ऊन है ये जो पश्मीना ऊन है ये वूल है ये बहुत ही कीमती होता है. और इसके जो सॉल्स होते हैं, इसके जितने भी ठंड के लिए कपड़े बनते हैं वो काफ़ी कीमती होते हैं. द पीपुल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल ऑफ सीप एंड सेल दिस टू ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर. यहाँ के जो लोग हैं वो इसे आसान केयरफुली सावधानी पूर्वक उस वूल को उस
भेड़ियों से कलेक्ट करते हैं, और उन्हें कश्मीरी ट्रेडर्स व्यापारियों से बेचते हैं। पश्मीना शॉल्स आर चीफली वूवन इन कश्मीर। पश्मीना शॉल्स जो है वो मुख्यतः कश्मीर में बुना जाता है। इट वॉज कंसिडर्ड अ गुड ट्रेड रूट एज इट हैड मैनी पासेज थ्रू विच कारवंस ट्रेवल्ड टू वॉट इज टूडे कॉल्ड तिब्बत। अच्छा ट्रेड है, अच्छा रूट है, बिकॉज एज इट हैज़ एट मैनी पासेज थ्रू विच कैरावंस ट्रैवल, क्योंकि इसके पास बहुत सारे पासेज हैं, बहुत सारे पैसेज हैं जिससे कैरावंस ट्रैवल करते हैं, और उसे हम आज क्या कह रहे हैं, आज क्या कहते हैं, तिब्बत। दिस कैरावंस कैरी टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस। ये जो कैरावंस हैं, ये जो लोग हैं, ये क्या क्या किसका व्यापार करते हैं, टेक्सटाइल्स के या फिर स्पाइसेस के, रॉ सिल्क या एंड कारपेट्स। ये सभी कपड़े का व्यापार करते हैं, मसालों का व्यापार करते हैं, रॉ सिल्क या फिर कारपेट चटाइयों का व्यापार करते हैं। तो अगले क्लास में हम जानेंगे केरला के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लव इट देन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स।